जी वाहे गुरु साहिब जीओ फरीदा काली जिनी नरावेया तौली रावे कोई कर साई स्यों पिर हड़ी रंग नवेला होए महला तीजा फरीदा काली तौली साहिब सदा है जे को चित करे अपना लाया फिर मन लग गई जे लोचे सब कोए ए पिरम प्याला खसम का जय पावे तै दीन ए पिरम प्याला खसम का जय पावे तै दीन। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। चवर छतर तख्त दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु पातशाह जी दे पावन दरबार दे अंदर शबाईमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जन सतगुरां दी अपार कृपा दे सदका भगत बाबा शेख फरीद साहब जी दे पावन सलोकां नूं विचार रहे हां। इस बार समा सानूं मिलिया सतगुरु पातशाह ने कृपा कीती श्लोक नंबर 12 और 13 दा पाठ उच्चारण होया संगती रूप आप जी ने सरवन भी किया। जेड़ा गुरमुखो ये श्लोक नंबर 12 है ये भगत बाबा फरीद साहब दा है ते श्लोक नंबर 13 धन गुरु अमरदास साहिब पातशाह दा है। फरीद साहब दे श्लोकां दे विचकार गुरु अमरदास साहिब पातशाह जी दे श्लोक नूं क्यों अंकित किया गया इहदी विचार आपां नाल नाल करांगे। आओ पहला ये पावन श्लोक नूं आपां समझण दा विचारण दा यतन करदे हां। फरीदा काली जिनी ना रावे एक ते काली नहीं है इनू बिंदी सहत उचारना है काली काली हुंदिया होया शरीर दे सिर दे केस काले हुंदिया होया भाव जवानी दा समा इहदा सिद्धांत की बनेगा जवानी दा समा। जिनी ना रावे रावे दा अर्थ हुंदा है मानना जिन्ना ने वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम दीयां रहमतां नूं नहीं माणिया जिन्ना ने जवानी दे समें जदों शरीर ये सारा चलदा है कम करदा है उदों वाहिगुरु परमेश्वर दा सिमरन नहीं कीता इस आनंद नूं माणिया नहीं। तौली रावै कोई कोई दर्थ है कोई बिरला ये नहीं क्या भी बिल्कुल नहीं कोई मान सकता बिल्कुल काटा नहीं मारिया पर कहते कोई कोई दर्थ है कोई बिरला तौली रावै तौली का की अर्थ है चिट्टे केस होंगे बजुर्गी दे समय कोई बिरला ही है जिहड़ा बजुर्गी दे समय इस नाम रंग नूं मान सकता है
जे जवानी दे समें नहीं माणिया कर साई स्यों पिरहड़ी। पिरहड़ी दा अर्थ है प्यार। भाई एक काला ही काली हुंदियां होईयां ही जवानी हुंदियां होईयां ही साई दे नाल प्यार पा। रंग नवेला होए जिंदगी दा रंग नवेला हो जाएगा नवा हो जाएगा जिंदगी च उत्साह ही नवा आ जाएगा जिंदगी जीण दा ढंग ही नवा हो जाएगा। रुख इन्हें नूं पहला आपां समझीए। मैं ना तीन दो दिन पहला क्योंकि मेरे दिमाग स्लोक चलते होंगे अगले पिछले इदू आना इदू आना एक ना अंग्रेजी की किताब है एटोमिक हैबिट्स एटोमैटिकली आदत अपने आप एटोमिक हैबिट्स उसका नाम है। पंजाबी भी वह अनुवाद करके मिल जाए अजकल किताबा ना वो जो लिखारी अंग्रेजी का वो लिखता है वह कहन लगा भी आम तौर दे उत्ते आपां इह समझदे हां वी मनुखी आदतां बदलनियां असंभव हुंदियां। जिवें मैं इत्थे वी एक बजुर्ग नूं सुणिया इदां कहिंदे आ गुरमुख गल करदी पई सां कहिण लगे भाई साहिब वारशाह ना आदतां जांदियां ने भावें कट्टीए पोरियां पोरियां उस पंक्तियां याद कीतियां हुंदियां। एक पुराना साडे आदत अखाण वी हुंदा सी कि साजदियां वजांदियां निभण सिरां दे नाल भी जो चंगियां माड़ियां होंदियां सिरां दे नाल ही निभदियां वह बदलदियां। यह तो मेरी तुहाडी गल है कि मेरे वर्ग किसी किसी लिखारी ने अपने दिमाग की गल कहती पर असी तो गुरु के चरणों च बैठन वाले हाँ। जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी पढ़ते हाँ पातशाह कहिंदे सब कुछ हो सकता है सब कुछ बदल सकता है। नुक्ता बड़े ध्यान से पढ़ते हैं ना सतगुरु पातशाह कहिंदे तुम चंदन हम अरिंड बापरे संग तुम्हारे बासा। तू चंदन है असी अरिंड है पर असी जे तेरे कोल वस जाइए की होएगा। तुम चंदन हम अरिंड बापरे संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊच पए हैं नीवियां तो उच्चे हो जावांगे। बदल जाएगी ना जिंदगी बदल जाएगी ना रंग न इसी करके कबीर साहब कहिंदे हो जाएगा रंग नवेला पर कोई विरला विरला सच है गुरु। जे किते जवानी दे पैर बचपन दे विच परमेश्वर दे नाम ना नहीं जुड़िया धर्म नाल नहीं जुड़िया सिखी ना नहीं जुड़िया पातशाह कहिंदे आत्मक जीवन बड़ा मुश्किल है कि बजुर्गी दे समय सोहना बन जाए। मुश्किल है असंभव नहीं है पर मुश्किल है। जी समाजिक जीवन कल्ला धार्मिक जीवन ही क्यों समाजिक जीवन विच भी असी देखते हाँ कि जिहड़ियां आदतां सानू बचपन तो जवानी चुंदियां ने कई बार बजुर्गी तंग बड़ा करदियां ने पक्कियां होंदियां ने पक जांदियां ने आदतां वह फिर वह बदलनियां औखियां हो जांदियां ने। इस करके सतगुरु पातशाह कहिंदे ने ना सतगुरु पातशाह कहिंदे जे तू बजुर्गी नूं सोहणी बनाउणा है ना आपां दो तीन दिनां तो यही विचार रहे हां वी बढ़ेपा सोहणा किवें बणे इदां ते मैनूं फोन भी इदां यूट्यूब ते पा दे ते दो तीन फोन भी आए कहिंदे गणेश जी बड़ी वधिया हो रही है गल्लबात। तो चेता करो जे जिस चाहुंदे ना वी साडा बढ़ेपा सोहणा होवे जवानी सोहणी कर लईए बस जवानी सोहणी बन गई ना बढ़ेपे ने अपने आप ही सोहणा हो जाणा है। हुंदा गुरमुखो क्यों क्योंकि जवानी दा असर साडे बढ़ेपे ते पैणा है। मैं एक दिन पहला भी बेनती की सी चेता करो जे घर के जिहड़े जीव ने ना जे बजुर्ग है बजुर्ग 70 साल का 75 साल का बजुर्ग जे अजे भी क्रोध विच है जे अजे भी गुस्से दे विच है अजे भी खाण पीण के पिछे भज्जा फिरदा है पता लगता है इहदी जवानी किदां दी होएगी भी जिहड़ा हुण नहीं हटदा कित्थे हटदा होना है। आदत है ना आदत तो उदों की पई हुई है ना
ਇੱਦਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਤ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਪਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਬ ਗੁਣਾਂ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੰਢ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਲੋਕ ਅਬ ਗੁਣਾਂ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਗੁਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਨਦਾ ਪੱਲੇ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕਹੋ ਧਾਵੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਅਵਗੁਣ ਛੋੜ ਗੁਣਾ ਕਹੋ ਧਾਵੋ, ਕਰ ਅਵਗੁਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਹੀ ਜੀਉ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ, ਆਦਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਵਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੁਕਤਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਗਣ ਕੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਜੁੜਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੁਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਨਾ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਤ ਪਈ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਐ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੋਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੀ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸੌਂ ਜਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਸਾਡੀ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਧੀ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰਹ ਬਣਨਾ। ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਏਗੀ, ਉਹੀ ਆਦਤ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਈ ਬਣਨਾ। ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬੱਚੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਪੇ ਬੱਕੜ ਹੈ ਦਿਨ 4 ਹੈ ਸਾਹੁਰੜ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੈ ਬੱਚੀਏ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਦ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। 17 ਸਾਲ ਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸਨੇ।
अभ्यास है ना उसका, वो बचपन तो लग्या होएगा ना इदा करके। तो सतगुरु पातशाह कहिंदे इस करके भाई जिन्हां ने जे तू जवानी दे जदों तेरे हड्ड पैर काम करदे आ चौंकड़ा तू मार सकदा है, अखां नेत्र ढूई सीधी करके इदां बैठ भी सकदा है, जदों उदों ने तू जपिया कित्थे जपना बढ़ेपे दे विच, फिर बढ़ेपे च तां कोई विरला जपदा है। इस करके पातशाह कहिंदे ये आदत होने तो बना, जदों 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 काली है ना, जदों काली है तेरे शरीर के वाल काले ने किस काले ने, उदों ही परमेश्वर के नाम नाल बिरहड़ी पा प्यार पाओ दे नाल। इस करके यही है गुरमुख पुराना जिहड़ा हुंदा सी ना, तुसी तुसी जिन्ने बैठे हो कितने कितना असीं इतिहास पढ़ते हाँ, जां साडियां पुरानियां बजुर्ग माइयां हुंदियां सी है ना, इदां हुंदा सी कि ना सवेरे अमृत वेले उठना बीबिया ने, मैं पिंडा च गल देखी नाल नाल कतना चरखा ते नाल नाल गुरद्वारे की बाणी नाल नाल सुनी जानी, इदां हुंदा सी आदत पई हुई सी ना। कई कई इदां दा सी भाई साहब असी जपजी साहब जी की बाणी अपनी माँ दे कोलों सीखी, अपनी दादी दे कोलों सीखी बुक्कल विच बह के, इदां हुंदा सी। बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दादी दे कोलों सिखदे आ ना बाणी, इहदा तां बचपन च सिखदे आ छोटे आ, अर्थ की बनिया जे असीं चाहुंदे आ खुद भी और अपने बच्चों नूं। कहिंदे जी बाणी नाल नहीं जुड़दे, बाणी नाल जुड़ांगे जदों बच्चों नूं बचपन च लैके आवां उंगल पकड़ के, बच्चों नूं बचपन में लैके आई आदत पएगी ना, जदों जदों मिट्टी पक जाती है फिर कुछ नहीं बनती गुरमुख, कच्ची मिट्टी है घड़ा बना लो चप्पण बना लो कुछ भी बना लो उन्हें बन जाना। इस तरह के नाल यही गल है, अज असी नतीजा लभ रहे हाँ कि चंगा नतीजा मिले, पर गल उत्थे खड़ी है भी असी जदों बच्चे कच्चे होंदे ने खुद कच्चे हाँ उदों उदों असी जुड़ नहीं पाते गुरु नाल। इस करके जरूरी है जे असी चाहुंदे असी गुणवान बनीए ये आदत छोटे होंदे आ पाईए, छोटे होंदे आदत। मैनू खुद नूं ये गल अपनी याद है, मैं मान नहीं करता मेले जाना पैसे उदा अज तो 25-30 साल पहलों किदा किदा उन्ने की पैसे मिलते होंगे सी, रोटी उदा ही खा लेनी किताबें खरीद लेनी है बस। बापू ने पुछना पुत की खरीद किताबा लेके आए, घर दे अक जांदे किताबां चक्की फिरदा बापू अज पढ़िया काम आ रहा है, तो बस किताबें खरीद लेनिया जदों भी जाना कित किताब वाली दुकान पर खड़े होना सारे मेले के तो आदत होंदिया ने, वो आदत ही वड्डे हो गए तो गुण तो औगुण बन जाता है। इसलिए सतगुरु पातशाह कहिंदे जे तू चाहना है वडेपा सोहना होवे तां जवानी नूं सोहनी बना अपनी, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कोई विरले उपर गुरु की कृपा आती है नहीं, पातशाह कहिंदे बड़ा औखा है ये चौंकड़ा मार के वडेपे च बैठना जी अभ्यास नहीं है। इस करके फरीदा काली जिनी ना रावेया, जिन्ना ने जवानी हुंदिया होया परमेश्वर दे नाम रंग नू नहीं माणिया, तौली रावे कोए तौली तां फिर कोई कोई बजुर्गी दे विच तां कोई कोई ही भाई इस रंग नू इस परमेश्वर दे नाम नू माण सकदा है। कर साई स्यों पिरहड़ी, साई दे नाल काली हुंदियां होईयां ही जवानी हुंदियां होईयां ही भाई अपनी पिरहड़ी पा, रंग नवेला होए जिंदगी दा रंग नवा हो जाएगा, जिंदगी च नवा उत्साह पैदा हो जाएगा, जिंदगी दे विच सोचण दा ढंग नवा हो जाएगा। महला तीजा, हुण जदों बाबा फरीद साहब ने यह कहा ना, अगे गुरु अमरदास का शब्द आ गया कि बड़ा मुश्किल है जेकर जवानी नहीं जुड़ी परमेश्वर दे नाम ना ते बड़ेपा जुड़ना बहुत मुश्किल है, ते बाबा गुरु अमरदास साहिब पातशाह फिर इस गल नूं होर खोल के बयान करदे ने, कदे कोई उदास ही ना हो जाए, कोई बजुर्ग अवस्था विच होवे कदे उदास ही ना हो जाए भी हुण तां गल बणी नहीं सकदी, मैं तां जपे नहीं जवानी वेले,
तो पातशाह कहिंदे उदास ना कोई हो जाए। पातशाह ने इस गल का होर वख्यान कर दिता की कहा, फरीदा काली तौली। इसका ये शब्द ना इनू ध्यान ना उच्चारण करना, कई बार ना फरीदा काली तौली साहब इदा असं पढ़ जाने, वो अर्थ नहीं बन गए वो फरीदा काली तौली। अर्थ की बनया, भावें काली है भावें तौली है भावें जवानी है भावें बुढ़ापा, साहिब सदा है, परमात्मा तो सदा ही है ना, इदा यदा अर्थ बनेगा। फरीदा काली तौली रोकी, साहिब सदा है, भावें जवानी है भावें बुढ़ापा, साहिब सदा है, परमात्मा तो सदा ही है ना। जे को चित करे, जे किसी का चित करे तो भी जवानी वेले नहीं जुड़िया बुढ़ेपे दे वेले, जे किसी का चित करे मैं परमात्मा ना जुड़ जावा हुंदा गुरमुख। ये गुरु अमरदास साहब पातशाह भावें क्यों कह रहे ने इदा, क्योंकि गुरु अमरदास साहब पातशाह का खुलदा तजर्बा ये कहिंदा, उन्हां दा चित परमात्मा नाल बुढ़ेपे च जुड़न दा यतन मन कीता। तो गुरु अमरदास साहब अपनी जिंद तजर्बा दस रहे हैं, इदा कह रहे ने, फरीदा काली तौली साहिब सदा है, भावें जवानी है भावें बुढ़ापा परमात्मा ते सदा ही है ना। जे को चित करे, जे किसी का चित बुढ़ापे विच भी कर जाए जवानी विच जदों भी चित करे परमेश्वर नाल जुड़न दा, अपना लाया पिर मन लगई, अपना लाया अपने यतना दे नाल परमेश्वर नाल प्यार नहीं पैंदा। हुण इहदे अर्थ समझो, अर्थ की है, भी हो सकता इदा हो समाजिक दुनिया के आप कह दीए भी मैं अपने जोर न अपनी आदत बदल लवाना। वैसे तो गुरमुखो एक ना साढ़े ना धर्म अंदर एक चुपहरे कट्टे जाने 40 दिन का पाठ होंगे, कई बीबिया भैन भी कर दें 40 दिन का सुखमनी साहब का पाठ इदा कर दया ने। असल वो कई बार ना असं वह समझते नहीं भी असल गल की है। हुण वैसे तो जिहड़ा चलीसा है, चलीसा साड़ी धर्म अंदर है नहीं, चलीसा क्यों होता 40 दिन का पाठ चलीसा, असल उहदा कारण होर सी, पर जिहड़े करदे पए ने उन्होंने भी नहीं पता होंदा भी कारण की है। मैं कहना होना भी जे असी कुछ करदे भी पए हाँ ना, तो घट्टो घट्ट सानू पता होवे उहदा। उह कहिंदे जी गुरु साहिब ना चलीसे ते खुश हो जांदे, भी कित्थे लिखा चलीसे ते खुश हो जांदे, असल उहदा कारण होर है। कारण की है उहदा, कारण यह है भी जो मनोविज्ञान है ना, समझो 40 दिन का की कारण है, जिहड़ा मनोविज्ञान है वह कहिंदा भी जे कोई बंदा किसी चीज़ नूं करदा है उहदा मन नहीं करदा, इदां बद्धा चिट्टी कर लैंदा, जे वह 40 दिन कर ले ना, हुण अभ्यास ही है ना वह कम करन दा, जे वह 40 दिन कर जे तां उहदा शरीर ते उहदा मन वह करन नूं आदत पै जांदी है। उहनूं मनोविज्ञान यह कहिंदा इह गल भी जे किसी चीज़ नूं असीं 40 दिन कर लईए बद्धा चिट्टी कर लईए। मैं गुरमुख हमेशा कहना हुंदा, असीं कहिंदे गुरद्वारे गुरद्वारे असीं आउंदे आ जी, गल नहीं कोई बनदी, 40 दिन आ के देखो, 40 दिन आ के देखो, जे 40 दिन विच तुहाडे जिंदगी च कोई आदत नहीं बदली, तुहाडा मन कुछ नहीं करन लग्गिया ते ना ही, पर गल बन जी कि 40 दिन आना पएगा, भावें 40 हो जाए 39 हो जाए 41 हो जाए 42 हो जाए, पकाने भी 40 हो जाए, वो तो एक मोटा जहा हिसाब होंगे भी 40 दिन हो जाए। हुण जे आप कह दें महीना 30 दिन का होंगे, वो तो मोटा जहा हिसाब है, कत्तियां का भी होंगे 28 का भी होंगे, वो फिक्स नहीं होंगे भी 40 दिन ही है, वह अर्थ की होंगे भी इन्ने एक दिन के जिहड़ा मन है उन्हूं उस दिमाग नूं भी और शरीर नूं भी वो करन दी आदत पै जांदी है 40 दिन दे विच लगभग, इदां करके इस करके वो 40 दिन का कारण कहा जाता है, जिन्ना कि मैनू समझ लग्या गुरु। इस करके सतगुरु पातशाह कहिंदे ये तां है दुनियावी कर्म, पर जे कोई धर्म की दुनिया की गल करे भी अपनी आदत नूं मैं केवल 40 दिन अभ्यास करके बदलांगा, पातशाह कहिंदे परमेश्वर दे मिलाप दे विच कल्ला अभ्यास नहीं कम करता। इत्थे की है, अपना लाया अपने यतना दे नाल
जे कोई ला लवे अपने मन नू अपने शरीर नू पैर मना लग गई परमेश्वर ना प्यार नहीं लगता। जे लोचै सब कोय पातशाह कहिंदे जे सारे इह गल लोच लैण सारे इस गल दी लोचना रख लैण तां वी नहीं गल बणदी। गल किवें बणदी है? ए पिरम प्याला खसम का, जिहड़ा ए पिरम प्याला है ना धर्म की दुनिया के अंदर जिहड़ा प्यार का प्याला है वह परमेश्वर का अपना है, वह परमेश्वर की अपनी मलकीयत है। जय पावै तैं दे पातशाह कहिंदे वह भाई जिन्हां नूं पाउंदा उन्हां नूं दिंदा है। अर्थ की बनिया? अर्थ यह बनिया भी जे कल्ला तू उदा ही बन ले भी 40 दिन मैं जाना ही जाना है तो ना जपे ना, जिवें कोई बंदा मन लो इदा भी कोई बंदा कहता मैं गुरुद्वारे जाना 40 दिन कल्ला इदे कि भी जाना ही है कल्ला तो जाके मत्था टेके तो फिर उठ के भज जे कभी 40 दिन गए तो सी आप पातशाह कहते गल इदा नहीं बननी, गल इन्ने नाल नहीं बननी, गल इदा बनेगी सतसंगत करेगा तो जिंदगी तेरी उत्थे बदलनी है जदों तेरे ते परमेश्वर की रहमत होनी है। ये परमेश्वर दे प्यार दा प्याला है, पिरम प्याला खसम का, यह वाहेगुरु का जिहड़ा प्रेम का प्याला है ना पातशाह कहिंदे ये बद्दा चट्टी नाल नहीं ये प्यार का प्याला है, प्यार नाल मिलता है उहदी कृपा दे नाल उहदी बख्शिश दे नाल मिलता है। पर यह गुरमुखो सच एक एक नाल समझो समाप्ति कर गए आप देखो ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਟੀਚਰ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਇਹ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਔਰ ਧਾਰੋ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਜਾਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਲਾਵੇ ਜਾਣਾ ਲਾਵੇ। ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ, ਜੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੌਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੇ, ਕੰਧਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਫਲ? ਨੁਕਤਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਪੌਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਲ ਕਦੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਉਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਏ।
पर गुरु अमरदास साहिब पातशाह कहिंदे जे जवानी वेले रह भी गए तो उदास ना हो, ये परमात्मा दे दर दीआं रहमतां ने कदों भी हो सकदीआं, पर उन्हां रहमतां दे लई तेरे हिरदे दा भांडा सीधा होना चाहीदा है। सतगुरु पातशाह कृपा करन, भुला चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ आखो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਲਗੀਆਂ ਵਰਨਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾਉਣੇ ਆਈਆਂ ਸੁਦੂਤਾ ਕਾਮੋ ਰਹੀ ਕੇਰਾ। ਮਨ ਜੀ ਵਰਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਈ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਗੁਰਦਾਰੋ ਵਰਨਾਲੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਗਏ ਤੇਰਾ। ਕਾਰ ਤਬ ਦੁਆਰਨਾ ਸਭਨਾ ਕਲਾ ਭਗਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਸਾਰੇ ਐ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਚੀ ਸਾਰੇ ਬਾਤ। ਕਿਆ ਨਾਮੀ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਾਣੀ ਰਸਿ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਤਲਾ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਰਸਾਵਈ ਨਾ ਦਿਲ ਕੈ ਨਾ ਫਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਕਟਨੇਰੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਨੀ ਕਰਸੀ ਲੈ ਸਾਚਾ ਨਾਮਿਆ, ਰਾਲੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਰਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਗਵਾਈਆਂ ਹਰਿ ਸ਼ਾਮ ਸੁਖਮਾਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜੀ ਚੰਦ ਪੂਜਾਨੀਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਟੋ ਜਿਸੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਕਾਲ ਕੰਡਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਚਿਤ ਕਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਤਦ ਮਨੋਰ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾ ਉਤਰੇ, ਬਣੇ ਬੱਤੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤਮ ਸਾਰਨ ਭਏ ਸਰਤੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਣ ਦੇ ਗੁਣੀ ਪਛਾਤੇ ਪਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਿਆ ਸਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਮ ਭੁਲ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜੇ Thank you.
ਕਰ ਲਓ ਬਿਸਕੁਟ ਪਏ ਆ ਯਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਿੱਕੂ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ।